वेलकम बैक टू माय चैनल कैन क्योर। कैसे मैं भी आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद में अगर आपको टांगों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। नेचुरली आप घर पे कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको टांगों में नॉर्मल डिलीवरी के बाद में टांगों में अगर दर्द होता है तो आपको सच में बैठने में, उठने में, लेटने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपको क्या चीज़ें ट्राई करनी चाहिए जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो। कुछ तो चीज़ें आप करते ही हो लेकिन उसे एक वे में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में टिल एंड तक ज़रूर से बने रहिए, लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए क्योंकि वीडियो की अपडेट आपको तभी मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेज जो नीचे आए हुए होते हैं उनको बहुत जल्दी हील करना ज़रूरी होता है क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको बैठने में, उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार स्टिचेस क्या होता है कि 2 से 4 दिन में ही अच्छी तरीके से निकलने लगते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं पेशेंट्स को देखती थी और उनकी केयर के दौरान पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जिनको प्रॉपर अच्छी तरीके से केयर मिलती है, बहुत अच्छी तरीके से जो चीज़ें करते हैं, उनके 4 दिन में आराम से ही टाँके निकल जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों के जो टाँके होते हैं 20 से 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना तक चलते हैं, नहीं निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर जब तक टांके नहीं निकलेंगे, टांके गलेंगे नहीं, तो आपको तकलीफ़ होनी ही है। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे चीज़ जो है कि आपको अपने टांकों को ठीक करना है। तो वो कैसे करना है? आपको पहली बात जो यहाँ पे है, आपको सिकाई अच्छे से करनी है। दिन में कम से कम आप 4 बार सिकाई करोगे ना तो काफ़ी अच्छा है। जब भी आप टॉयलेट बाथरूम जाते हो गर्म पानी का इस्तेमाल करिए। गर्म पानी मतलब जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो गर्म, गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें। साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें, कॉटन के पैड यूज़ करें, इस चीज़ को ज़रूर से आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ है, और आप क्या कर सकते हो? देखिए, ये तो हो गई सिकाई करके, ऑइंटमेंट लगा के आपने पैड लगा लिया। सेकंड चीज़ है, साथ ही साथ आपको हल्दी वाला दूध लेना है। देखिए, यहाँ पे आपको लेना है क्योंकि डिलीवरी के बाद में आपको वैसे ही कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप दूध तो वैसे लेते हो लेकिन आपको हल्दी वाला दूध लेना है। हल्दी वाले दूध से क्या होगा कि आपको दर्द भी कम होगा, ये एंटीबायोटिक हल्दी होती है, और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके स्टिचेस हील होने में। ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ ये है कि जितनी अच्छी मात्रा में आप खाना पीना खाओगे, आप पानी जितनी मात्रा में पियोगे, उससे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से आपको खाना पीना, अपनी हेल्दी चीज़ें खाने पे ध्यान देना है। कैसे करनी है? देखिए, थोड़ी सी गलती जब हो जाती है ना तो उसी से फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको होती है। आपको आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चलने कूदने लगो, ठीक है? आपको बैठना है तो भी सोच समझ के बैठना, आपको लेटना है तो भी सोच समझ के लेटना है। आपको मतलब कोई भी पोजीशन आप जब क्रिएट करते हो तो आपको सोच समझ के कोई भी पोजीशन को लेना है। तो इस वजह से जब आप बैठते हो, उठते हो, चलते हो तो आपको थोड़ा सा, आपको चलना भी है तो बेबी स्टेप्स लीजिए, चलते हो तब आपको बेबी स्टेप्स लेना है। जब आप बैठते हो तो एकदम काम होकर बैठना है, एकदम धीरे से पोजीशन पर बैठना है, बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है स्टिचेस में ताकि वो निकल जाए, टूट जाए। टूटना नहीं चाहिए, आपको अपने स्टिचेस को गलाना है, वो जल्दी से निकल जाने चाहिए, तोड़ने नहीं है अपने स्टिचेस को। उससे क्या होगा, आपकी स्किन बिल्कुल ही अलग हो जाएगी और आपकी गैपिंग वगैरह नज़र आने लगेगी। तो इसलिए जब आप बैठते हो तो धीरे से बैठिए, जब आप चलते हो तो बेबी स्टेप्स लीजिए, और ख़ास करके जब आप लेटते हो तो एक अच्छी पोजिशन पर लेटिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, कुछ ही सी चीज़ें हैं जो कि आपको एक बैलेंस बना के चलना है, तो आपके स्टिचेस बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। और जब आपके स्टिचेस जब बहुत जल्दी हील हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, तो आपको पेन वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो आपको मेडिसिन दी जाती है 3 से 4 दिन की या 5 दिन की, वो आपको कंटिन्यू लेनी है। आयरन कैल्शियम की गोलियाँ भी आपको कंटिन्यू लेनी है। खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अगर करने लगोगे तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस बहुत जल्दी से रिकवरी हो जाएगी, तो आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मिलते हैं अपनी अच्छे से कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ।